फ्लू को लेकर सीएम बोले कि आज ही मैंने समीक्षा बैठक की है, किसी को चिंता की आवश्यकता नहीं है, जो पक्षी हैं उनमें लक्षण पाए गए हैं। कोई भी पोल्ट्री फार्म में रैंडमली चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, उनके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गी में लक्षण पाए गए हैं, उधर से जो भी मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर हम रोक लगाएंगे। चिंता की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। वहीं आजकल बदले से लगते हैं शिवराज पर, उन्होंने कहा कि हम बदले नहीं हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। अच्छे शासक को फूल से ज्यादा कोमल होना चाहिए और दोस्तों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर होना चाहिए, और दुष्टों को हम कुचलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जो जनता के दुश्मन है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर पुलिस को बधाई देता हूँ, इंदौर पुलिस ने बहुत ही अद्भुत काम किया है। कहा, जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है आश्चर्य होता है, उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा और ड्रग्स माफिया को बख्शेंगे नहीं। इंदौर असीम संभावनाओं का शहर है और हमारे चाहे एमएसएमई हो चाहे बाकी उद्योग हो, अभी भी जो उत्पाद बना रहे हैं यहाँ उसका निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ ये कार्गो की सुविधा नहीं थी, वो अब विकसित हुई है। यहाँ से दवाइयाँ, यहाँ से हीरे, यहाँ से फिनिश्ड लेदर, अनेक तरह की चीज़ें निर्यात होती है। अब किसान भी अपने फल और सब्जियों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का उगा के और उसको भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारे निर्माण की गतिविधियों को बल मिलेगा, ठीक दाम मिलेगा और इंदौर के विकास को और पंख लगेंगे। इस सुविधा के लिए मैं इंदौर वासियों को बधाई देता हूँ। शिवराज जी, आज कुछ समय से आप कुछ बदला बर्ड फ्लू में, आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में, अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। अरे हम जैसे थे वैसे ही हैं, अब अच्छे शासक को जनता के लिए फूल से ज़्यादा कोमल होना चाहिए और दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर होना चाहिए। तो दुष्टों को हम कुचलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जो जनता के दुश्मन हैं। मैं इंदौर पुलिस को बधाई देता हूँ, हमारा माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है, जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है आश्चर्य होता है। आज मैं उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा दोपहर को, और ड्रग के धंधे में लगे हुए हैं बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, उनको भी पकड़ेंगे और आर्थिक रूप से भी उनकी कमर तोड़ देंगे।